हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं सबका फेवरेट रेड वेलवेट केक विदाउट ओवन। और ये रेड वेलवेट बनाएंगे आज हम वनीला प्रीमिक्स से। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो हम लेंगे पतीला, और पतीले में डाल देंगे नमक और उसको चम्मच की सहायता से फैला देंगे तली में अच्छे से। एक कप नमक लिया है मैंने, और नमक को आप बार बार यूज कर सकते हैं। अब लिया है मैंने ये स्टैंड, और ये स्टैंड रख दिया पतीले में, और इसको ढककर अब हम प्री हीट होने रख देंगे पतीले को। तो गैस कुकर देते हैं ऑन, और एकदम लो फ्लेम पे इसको हम 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे। और अब हम केक का मोल्ड तैयार कर लेते हैं। तो मैंने लिया है ये केक का मोल्ड, ये 6 इंच का है, और इसमें मैंने ऑयल डाल के अच्छे से इसको ब्रश से चारों तरफ से ग्रीस कर लेंगे। आज हम 1/2 kg का ये केक बनाने वाले हैं। ये सारा मेजरमेंट 1/2 kg के लिए है। और अब इसमें बिछा देंगे बटर पेपर, और साइड्स में भी बटर पेपर ज़रूर लगाएं। साइड्स में लगाने से होता क्या है कि हमारा केक साइड से हार्ड नहीं होता, बिल्कुल सॉफ्ट रहता है। तो केक का मोल्ड हो गया है तैयार, और अब हम लेंगे ये प्रीमिक्स। तो ये प्रीमिक्स पैकेट है, ये प्रीमिक्स के ट्रोपोलाइट प्रीमिक्स है, और ये चॉकलेट और वनीला प्रीमिक्स है, और ये आपको आसानी से बेकरी स्टोर या फिर ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से इसको ले सकते हैं, और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो 1.5 कप लिया है हमने वनीला प्रीमिक्स, और इसमें 1 छोटी चम्मच ये चॉकलेट का प्रीमिक्स लिया है, और 2 बड़े चम्मच डालेंगे हम इसमें वेजिटेबल ऑयल। आप वेजिटेबल ऑयल की जगह पे बटर भी ले सकते हैं। तो 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल लिया है ये, और इसमें हम लेंगे ये 1/4 कप पानी, और मिक्स कर लेंगे अच्छे से इसको। और ये प्रीमिक्स केक बनाना बहुत ही आसान है, और इसको कोई भी लेके आसानी से घर में बना सकता है। तो अब देखेंगे, ये मेरा 1 कप से थोड़ा कम ही पानी गया है, और इसमें डालेंगे अब हम ये कॉन्फेक्ट का रूबी रेड कलर, और इससे बहुत ही अच्छा रेड कलर आता है। तो इसकी कुछ बूंदें हम अपने बैटर में डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो मुझे ये थोड़ा सा अभी रेड कलर डार्क और चाहिए, तो इसमें 2 बूंदें रेड कलर की मैं और ऐड कर देती हूँ। तो इसमें 2 ड्रॉप मैं और डाल लेती हूँ, और आप देखेंगे बहुत ही अच्छा रेड कलर आ गया है इसका। और इसमें ये 1 टीस्पून मैंने वनीला एसेंस डाल दिया है, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो मिक्स करके इसको अच्छे से एकदम लम्स फ्री बैटर तैयार कर लें, बिल्कुल भी कोई भी इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। तो आप देखेंगे बहुत ही अच्छा हमारा बैटर बन के तैयार हो गया है, और इसको अब हम अपने मोल्ड में डाल लेते हैं। तो ये हमने मोल्ड में डाल लिया है, और इसको टैप कर लेंगे अच्छे से ताकि सारे एयर बबल्स निकल जाएं इसके। और इसको अब हम बेक होने रखेंगे। तो बहुत ही सावधानी से पतीले का ढक्कन हटाएं, बहुत गर्म होता है ये, और अपने केक के मोल्ड को अब पतीले में सेट कर देंगे इस तरह से। तो अच्छे से बीचों बीच इसको रख दें, और इसको अब ढक कर 30 से 35 मिनट के लिए बेक होने दें लो टू मीडियम फ्लेम पे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो 35 मिनट हो चुकी है, चेक कर लेते हैं। तो एक टूथपिक लेके और उससे हम चेक कर लेते हैं। तो एकदम केक हमारा हो गया है रेडी, एकदम अच्छे से बेक हुआ है। अगर आपके स्टिक के ऊपर बैटर लग गया है तो 5 मिनट और बेक कर लें, और अब इसको ठंडा कर लेंगे कम्प्लीटली। इसको ठंडा करके उसके बाद ही डीमोल्ड करें। तो अब मैं आपको ये कट करके भी दिखाती हूँ। केक बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बना है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, और अपने कमेंट मेरे साथ शेयर करें।